जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, मणिपुर से दो काफी ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। बारी बारी से आपको दोनों तस्वीरें दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे भारतीय सेना की कौशलता का पता चलता है कि कैसे भारतीय सेना मणिपुर में अराजक हुए माहौल को आसानी से कंट्रोल कर रही है। और कहीं ना कहीं भारतीय सेना के शाबाशी पूर्वक कार्य को मणिपुर के लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। सबसे पहले आपको ड्रोन द्वारा ली गई कुछ फुटेजेस दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सेना और असम राइफल के जवान के ऑपरेशन में लगे हुए। हाल में हुई हिंसा के दौरान सेना ने काफी ज्यादा राहत बचाव कार्य का काम किया, और इस सेना के साथ साथ माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, ड्रोन्स इत्यादि जैसे स्वदेशी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। और क्विक रिएक्शन टीम को जो सेना द्वारा गठित की गई थी, उन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाइए, और इस टीम ने 2000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। जैसा कि ड्रोन फुटेज के माध्यम से आप सभी मित्रगण देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सेना की गाड़ियां धीरे धीरे करके मूव कर रही है, और इनके साथ साथ सेना के सुरक्षा बल भी धीरे धीरे करके मूव कर रहे हैं। और जैसे जैसे भारतीय सेना मणिपुर के हालातों को अपने कंट्रोल में ले रही है, वैसे वैसे मणिपुर की लोग भी सेना का काफी ज्यादा स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजाकर और सड़कों की दोनों तरफ खड़े होकर भारतीय सेनाओं का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं, और उन्हें ये जता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए। जिससे कि इस बात का साफ साफ पता चलता है कि भारतीय सेना के आ जाने के बाद मणिपुर के लोग काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आए, और लोगों के चेहरों पे सुरक्षा बलों को देख के प्रसन्नता और एक सुरक्षा का भाव साफ साफ नजर आ रहा है। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप सभी मित्रगणों के जो भी विचार है, कमेंट्स कर अपने वैल्यूबल विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।